हाँ तो आगे तुम लोग आना ही था, क्योंकि आज हम करेंगे बात सलमान भाई के एक ऐसे गाने के बारे में जो कॉपी करने के बावजूद उसमें हक दिया गया है। नहीं भाई, पोस्टर कॉपी किया सह लिया, मूवी कॉपी किया सह लिया, गाना कॉपी किया वो भी सह लिया, पर मेरे भाई कॉपी कर रहे हो तो करो, लेकिन कम से कम उससे अच्छा तो बनाओ। पर नहीं, आप तो उसमें भी हक दे रहे हो। चला, इस गाने में स्टेप के नाम पर सिर्फ गान ढिलाया जा रहा है और कुछ नहीं। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि ये गाना कॉपी नहीं है बल्कि उसके राइट्स खरीदे गए हैं, तो भाई हाँ, मैं जानता हूँ कि इस गाने के राइट्स खरीदे गए हैं, पर मेरे भाई अगर तुमने राइट्स खरीदे भी है तो कम से कम पुराने वाले से अच्छा तो बनाओ। चला, इस गाने को देख के अल्लू अर्जुन भी कहीं कोने में बैठ के रो और हंस रहा होगा। रो इसलिए रहा होगा क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार ने उसके लेजेंडरी गाने की गांड मार दी, और हंस इसलिए रहा होगा क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार उसका स्टेप तक नहीं कर पाया। छह, धिक्कार है अबे साले। हाँ तो हेलो, वेलकम टू स्टार्ट सूजी। तो भाई तुम में से काफी लोगों ने अल्लू अर्जुन का सिटी मार गाना ऑलरेडी देख ही लिया होगा, पर जब हमारे सलमान भाई ने इस गाने पे डांस किया तो उनका स्टेप कुछ ऐसा था। ये देखो तुम लोग, हाँ ये वही स्टेप है जिसको देख के अच्छे अच्छों की आंख नाक कान और गांड से खून निकल जाता है। नहीं भाई, मैंने माना कि सलमान भाई की डांस स्टेप लेजेंडरी होते हैं, पर वो जमाना कुछ और था जिसमें लोग आपके हर स्टेप्स को लेजेंडरी बना दिया करते थे। लेकिन अब ये जमाना कुछ और है, और इस जमाने में लोगों को रियलिस्टिक चीजें देखना ज्यादा पसंद आती है एक बवासीर के मुकाबले। गजब बेइज्जती है। का बवासीर बना दिए हो? सलमान भाई इंटू दिशा पटानी इक्वल टू बवासीर। सबसे पहले जिसने भी इस गाने को हिंदी में कोरियोग्राफ किया है ना, उसको मेरी तरफ से 701 लंड की सलामी, और स्पेशली मैं उस कोरियोग्राफर से मिलना भी चाहूंगा जिसने ये स्टेप बनाया है। अच्छा चलो, सल्लू भाई का समझ में भी आता है, पर ये मैडम क्या कर रही है भाई? तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई ये था सलमान भाई का सिटी मार गाने का हुक स्टेप, और ये है अपने अल्लू अर्जुन के गाने का हुक स्टेप। अब तो तुमको समझ आ ही गया होगा कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। चलो, अच्छे खासे गाने की इन लोगों ने डेड मार ली है, बिना बात के गांड हिलाया जा रहा है, बिना बात के स्टेप किया जा रहा है इसमें। अरे भाई, आप सलमान भाई हो, द लॉर्ड सलमान भाई, और इसलिए लोग आपसे ज्यादा की उम्मीद करते हैं। आप हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार हैं, अगर आप ही साउथ मूवी की कॉपी करेंगे तो जनता आपको क्यों सपोर्ट करेगी और आपसे क्यों उम्मीद रखेगी? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी स्टेप देख लो। हाँ, अब इनका ये स्टेप देख के इनके फैंस बोलेंगे, तुझे क्या पता भाई, तू तो चूतिया है, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है, ये तो सिर्फ एक डांस स्टेप है। तो भोसड़ी का उसी तरह ये भी सिर्फ एक रोस्ट वीडियो है। चौक दिए भैया जी आप तो। और भोसड़ी का अगर तुमको कंपेयर ही करना है तो सलमान भाई का स्टेप और अल्लू अर्जुन का स्टेप एक साथ देखो, तब कंपेयर करो ना, तभी तो तुम इस मीम का मतलब समझ पाओगे। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड। अच्छा चलो, मैं ही दिखा देता हूँ। हाँ, सलमान भाई के फैंस अब ये ना कहना कि सलमान भाई डांस नहीं कर सकते, और चलो ठीक है, मैंने माना कि वो डांस नहीं कर सकते, तो करते ही क्यों है मादरचोद? अबे साले, ये बॉलीवुड में डांस के नाम पे हगना जरूरी है क्या? नहीं नहीं भाई, इनके चुतिया पे तो अद्भुत है ही, साथ में इनके फैंस के भी चुतिया पे अद्भुत है। अभी कल की ही बात है, मैंने यूट्यूब खोला और बताया तुमको मैंने यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे क्या देखा? सलमान भाई की पुरानी मूवी जिसका नाम होता है सावन, और उसमें सलमान भाई के पास एक दिव्य शक्ति होती है जिससे पता है वो क्या करते हैं, एक लड़की की जान बचाने के लिए वो दो लोगों की जान ले लेते हैं। ये देखो, अब क्या है? अरे यार, कमिंग यार, पार्किंग इज ऑन द अदर साइड। ले भोसड़ी के बेटे बेटे, ओ बेटा मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। देखा, एक लड़की की जान बचाई और दो लोगों की जान ले ली। नहीं भाई, कोई मुझे बताएगा ये क्या बकचोदी होती है? और ये सलमान भाई के साथ हमें हमेशा गाड़ी वाली सीन ही क्यों दिखता है भाई? मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला हमसे कुछ कहना चाहता है सलमान भाई के बारे में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस वीडियो का टाइटल है सलमान के दिव्य शक्ति ने लड़की को बचाया, सलमान खान सावन मूवी जबरदस्त सीन। हाँ, ये इतना जबरदस्त सीन है कि जनता जबरदस्त सीन बोल के हंस रहे हैं।
अमेरिका आयरन मैन स्पाइडर मैन एक्वामैन इंडिया सैलमैन सैलमन बॉय एंड गार्डिया अ फॉरएवर लव स्टोरी आई एम सर्चिंग द बेस्ट सैलमन बॉय मीम हेयर सलमान भाई द विंटर सोल्जर और इसी मूवी के सीन में सैलमन भाई उसी लड़की से कहते हैं कि घर जाओ अपने अपने बाप से मिलो क्योंकि आज रात 9 बजे तुम्हारे बाप लुढ़क जाएंगे। मुंबई के ट्रैफिक में आपको आधा घंटा लग जाएगा घर पहुंचने के लिए। अगर अपने बाप से नफरत करती है तो मत जाओ, शॉपिंग वॉपिंग करो, लेकिन अगर प्यार करती हो तो जल्द से जल्द घर चले जाओ। कोई गलती होती है तो माफ़ी मांग लेना, जी भर के प्यार कर लेना, सेवा कर लेना, क्योंकि वो आज रात को 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद तुम्हारे डैडी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और तुम मानोगे नहीं, करेक्ट 9 बजे इसका बाप सच में लुढ़क जाता है भाई। मतलब इन मैडम बस इतना टाइम था कि अगर वो चाहती तो अपने बाप को लुढ़कने से बचा सकती थी, पर क्या करे, ये है तो सलमान भाई की मूवी ना। हाँ तो गाइस की मुझे यही खत्म करते हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। एक कमेंट करना ही तभी तो ये वीडियो चलेगी। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। विनोद, जब मैं बोलूं सीटी मारने को तो तू आंख मारना, क्योंकि द लॉर्ड सलमान वो भी यही करते हैं।